नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी अभी राबड़ी आवाज़ जो है महिला वकील पहुंची है। क्या कुछ बातें होती है वो भी न्यूज फाउंडेशन आपको पहुंचाता रहेगा, लेकिन पल पल की खबर पर नज़र जो है न्यूज फाउंडेशन की है। इस वक्त जो है महिला वकील जो है वह राबड़ी आवाज़ पहुँचे हैं, और क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ चर्चा होती है, क्योंकि लगातार CBI की पूछताछ जो है राबड़ी देवी से चल रही है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, यह मामला काफ़ी पुराना है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान नौकरी के बदले जो है जमीन हड़प का मामला जो है वह सामने आया है, और यही कारण है कि CBI की टीम जो है पहुंची हुई है। लगातार इस तरह की घटना जो है बिहार में लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार NDA से अलग होकर के महागठबंधन की सरकार में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं यह भी एक सवाल उत्पन्न कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें स्पष्ट नहीं नज़र आ रही है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कुछ बातें राबड़ी देवी से हो रही है, और क्या क्या अब तक जानकारी जो है CBI को मिला है, क्या कुछ अब तक हाथ लगा है, क्योंकि सारी चीज़ों पर जो है पैनी नज़र मीडिया की भी है। क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पटना में नहीं है, ना तो तेजस्वी यादव अपने आवास पे उपस्थित हैं, क्योंकि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में सदन में भी उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। ऐसे में तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में क्या कुछ पूछताछ चल रही है, क्योंकि यह मामला काफ़ी पुराना है। राबड़ी देवी ही बेशक बता सकती हैं इस सब मामलों में, क्योंकि जिस समय का यह मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दौरान जो है लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी ही उस पद पर काबिज रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि राबड़ी देवी से पूछना अधिकार जो है CBI की है। और यह मामला जो है काफ़ी पुराना है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से आरोप यह लगता रहा, BJP ने भी कई बार घोटालों को लेकर के जो है वह सवाल करता रहा लालू प्रसाद यादव से, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है वह सीधा जो है वह विपरीत नज़र आ रही है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन सब चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नज़र आ रहे हैं। उनसे भी जब यह सवाल किया जाता है, तो वो जाहिर सी बात है वो अपनी इच्छा को ही प्रकट करते हैं और कहते हैं कि देख ही रहे हैं ना, जान ही रहे हैं ना, जो उनका पुराना अंदाज है। लेकिन इस वक्त लालू परिवार पर जो है संकट मंडराता नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परेशानी है वह कम होने की नाम नहीं ले रही है, बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अब जब महिला एडवोकेट पहुँची है राबड़ी आवास, तो क्या कुछ जो है इसका निदान निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, वह तो आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर यह राबड़ी आवास की है, जहाँ CBI की टीम पहुँची हुई है। जानकारी के मुताबिक बता कि 4-5 गाड़ियां जो है अधिकारियों के साथ जो है CBI पहुंची हुई है, और पूछताछ जारी है। राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है, इन सब मामलों को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ बातें सामने आती है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।